Good morning, friends. मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर. आज की तारीख में सबसे बड़ा कोई इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और जान का खतरा लेके चलता है, दैट इज डेंगू इन्फेक्शन और डेंगू फीवर. जो डेंगू फीवर है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इज बेसिकली द लो प्लेटलेट काउंट. जब भी लो प्लेटलेट होती हैं तो वो एक प्रॉब्लम लेके चलती हैं, तो हर आदमी इसमें परेशान रहता है कि प्लेटलेट का जो काउंट है उसको खाने पीने की चीज़ों से कैसे बढ़ाया जाए. कोई पपीते का रस पीता है, कोई बकरी का दूध पीता है, तो कोई कीवी का फल खाता है, बट साइंटिफिक बेसिस क्या है एंड हाउ कैन यू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, आज हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे. नाउ जहां तक प्लेटलेट का सवाल है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं क्लॉटिंग में एंड ब्लीडिंग में. अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एंड अगर हमें क्लॉटिंग अप्रोप्रिएट चाहिए तो हमें एडिक्वेट प्लेटलेट की अमाउंट तो चाहिए. जब डेंगू फीवर की हम बात करते हैं या डेंगू के इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं. नंबर वन, जो प्लेटलेट आपका बोन मैरो बना रहा है उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है. अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो प्लेटलेट का काउंट नीचे की तरफ जाएगा. ऐसे ही जो प्लेटलेट बनती हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाता है इन डेंगू फीवर. तो दोनों तरह से प्लेटलेट आपकी कम होने लगती हैं. अगर प्लेटलेट का काउंट कम होगा या प्लेटलेट का जो अमाउंट नीचे की तरफ जाएगी तो एक इंटरनल जो ब्लीडिंग है या रैश होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है. अगर हम नॉर्मल प्लेटलेट के काउंट को देखें तो ये होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लेक्स से लेके 4.5 लेक्स के बीच में. लेकिन अगर जो ना इस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो प्लेटलेट का काउंट है वो नीचे की तरफ आएगा. अगर प्लेटलेट का काउंट नीचे की तरफ आएगा तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ेगी. अगर ऐसा है तो आपको हमेशा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. नाउ जब भी कोई ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, वो ब्लड प्रोडक्ट का ट्रांसफ्यूजन होता है, उसके साथ में हमेशा एक रिस्क खड़ा होता है कि इसके साथ में और कोई ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो आपकी बॉडी में नहीं पहुंच जाएंगे. बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे एचआईवी हो. बहुत सारे जो इन्फेक्शन हैं वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचने का हमेशा खतरा रहता है. तो इसलिए कोशिश हमेशा ये होती है कि ट्रांसफ्यूजन जितना ज्यादा हो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए. तो नाउ क्वेश्चन है कि कहां से आपको प्लेटलेट नेचुरली बढ़ाने का मौका मिलता है. नाउ लुक एट नंबर वन इज द विटामिन B12. जब विटामिन B12 की हम बात करते हैं तो वास्तव में इसको कोबालामिन कहते हैं. जो विटामिन B12 है इट्स ए वाटर सॉल्युबल विटामिन. ये वास्तव में एनिमल बेस्ड फूड आइटम से मिलता है हमको. जहां तक विटामिन B12 का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये प्लेटलेट काउंट को ऊपर की तरफ बढ़ाता है, ये सेल्स को हेल्दी करके रखता है. B12 सिर्फ RBC के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, जो B12 है वो प्लेटलेट के फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प करता है. अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो जो प्लेटलेट काउंट है वो नीचे की तरफ जाता है. जहां तक डेली रिक्वायरमेंट का सवाल है, इट इज अप्रॉक्सिमेटली 2.4 माइक्रोग्राम इन 24 आवर्स. जो कॉमन सोर्सेज जिनके चलते हमको B12 मिलता है, दीज आर बेसिकली द एनिमल सोर्सेज, चाहे वो एग्स हो, चाहे मीट हो, चाहे फिश हो, चाहे चिकन हो. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ओरल सप्लीमेंट विटामिन B12 के लेने की जरूरत पड़ती है. नंबर टू पर आता है फोलेट, या जिसे आप फोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. यह वास्तव में बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी सेल्स. जो सेल्स की जो ग्रोथ है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको फोलेट की जरूरत पड़ती है. इसको B9 भी कहा जाता है या फोलासिन भी कहा जाता है. जब हम फोलेट की बात करते हैं या फोलिक एसिड की बात करते हैं, यह वास्तव में प्लेटलेट काउंट को ऊपर की तरफ रखता है. जो टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको ग्रो कराने की ताकत रखता है. ये बहुत सारे काम जो है हमारे ब्रेन में कराता है और आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वास्तव में उसको इंप्रूव करता है. ये RBCs को बनाने में मदद करता है. अगर RBCs प्रॉपर नहीं बन रही हैं तो आपको मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होने का डर हो जाता है, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो. ना फोलेट कहां से मिलेगा? नंबर वन इज द ब्लैक आइड पीज, जिसे आप लोबिया के नाम से जानते हैं. लोबियाज आर वेरी रिच इन फोलिक एसिड. नाउ पीनट्स, जिसे आप मूंगफली के नाम से जानते हैं, इसमें फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है. जो ऑरेंजेस, जिसे आप संतरा के नाम से जानते हैं, उसमें फोलिक एसिड है. ऐसे ही जो किडनी बीन्स हैं, जिन्हें आप राजमा के नाम से जानते हैं, उनमें फोलिक एसिड या फोलेट काफी ठीक मात्रा में होता है. नंबर तीन इज द विटामिन सी.
जो विटामिन सी जो रिच फूड्स हैं, वास्तव में इम्यून बूस्टिंग जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी सभी लोग जानते हैं कि इम्यून बूस्ट करने के लिए विटामिन सी चाहिए। लेकिन जो विटामिन सी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग द प्लेटलेट काउंट। तो अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है तो विटामिन सी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ चाहिए। नो साइंटिफिकली अगर हम आपको देखें कि अगर आप विटामिन सी खाते हैं तो आपकी बॉडी आयरन को भी ठीक एब्जॉर्ब करती है। विटामिन सी आप ठीक खा रहे हैं तो आपकी इंटेस्टाइन जो आयरन है उसको ठीक से एब्जॉर्ब करेगी। नो ये जो है जहां तक विटामिन सी का सवाल है, ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो प्लेटलेट काउंट को ऊपर करने की ताकत रखता है। विटामिन सी आपको कहां से मिलता है? आपको मिलता है ब्रोकोली से, आपको ऑरेंजेस से मिलता है, आपको ग्रेप फ्रूट से मिलता है, आपको स्ट्रॉबेरीज से मिलता है, और जैसे अमरूद है, गुआवा है या आंवला है, दीज आर वेरी वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। द नेक्स्ट वन इज द आयरन। जहां तक आयरन का सवाल है, आयरन की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो ये तो आप जानते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आयरन एक ऑप्टिमम अमाउंट में प्लेटलेट के फंक्शन एंड प्लेटलेट की जनरेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेटलेट फॉर्मेशन ऑल्सो। जब हमें आयरन अच्छी मात्रा में चाहिए तो ये हमें कहां से मिलेगा? हमें राजमा या किडनी बीन से मिलेगा। सभी बीन्स में ठीक मात्रा में आयरन होता है। जो लेंटिल्स होते हैं या दालें होती हैं या सीड्स होते हैं उनमें ठीक मात्रा में आयरन होता है। जो पालक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ठीक मात्रा में आयरन है, गुड़ में ठीक मात्रा में आयरन है, चुकंदर में बहुत ठीक मात्रा में आयरन है, ऐसे ही जो अनार है या पॉमग्रेनेट है उसमें ठीक मात्रा में आयरन है। जैसे जो डेट्स हम खाते हैं या खजूर खाते हैं उसमें ठीक मात्रा में आयरन होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लेटलेट कम करने की ताकत रखती हैं या उनका जो फंक्शन है उसको डीस्टेबलाइज करने की ताकत रखती हैं। उनमें सबसे नंबर एक पर आती है अल्कोहल। अगर ये क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, ज्यादा मात्रा के अल्कोहल यूज की जाती है, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि प्लेटलेट का जो काउंट है वो नीचे की तरफ जाता है और प्लेटलेट की जो फंक्शनिंग है वो भी सब ऑप्टिमल होती है। ऐसे ही जो क्रैनबेरी जूस है, ऐसा माना जाता है कि क्रैनबेरी जूस जो प्लेटलेट का काउंट है उसको नीचे करने की ताकत रखता है इन उसकी फंक्शन भी डिप्रेस करने की ताकत रखता है। समहाउ काउज मिल्क ऑल्सो इज इम्प्लीकेटेड इन लो प्लेटलेट जनरेशन। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं इनको ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट कंज्यूम दीज थिंग्स, सो दैट प्लेटलेट का काउंट ऑप्टिमाइज रहे। उनमें से अल्कोहल इज नंबर वन। तो इट इज नॉट दैट कि जो प्लेटलेट का काउंट बढ़ाना है तो सिर्फ पपीते के पत्ते का रस चाहिए या बकरी का दूध चाहिए या कीवी फ्रूट चाहिए। वास्तव में आपको प्लेटलेट का काउंट बढ़ाना है तो आपको विटामिन B12 चाहिए, आपको फॉलिक एसिड चाहिए, आपको आयरन चाहिए, आपको विटामिन सी चाहिए, ये सभी चीजें चाहिए और आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल बाकी सभी चीजें भी चाहिए। आपको ठीक प्रोटीन चाहिए, आपको ठीक कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको ठीक फैट की मात्रा चाहिए। ये चीजें हैं जो आपके प्लेटलेट काउंट को ऊपर करके रखेगी। सिर्फ पपीते के पत्ते के रस पीने से कुछ नहीं होगा और अल्कोहल का जहां तक सवाल है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं जो प्लेटलेट के काउंट को ऊपर करने की ताकत रखते हैं इन द इवेंट ऑफ द डेंगू इन्फेक्शन, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।